सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से चुनावी समर में उतर पड़े हैं। मधेपुरा से इस बार वो अपनी ही पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं और आज हम एक दिन पप्पू यादव के साथ बिताने वाले हैं और सुबह का वक्त है और पप्पू यादव हमारे साथ हैं। पप्पू जी, सबसे पहले बताइए कैसा चल रहा है कैंपेन आपका? काफ़ी दिनों से आप यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ का कैंपेन आम आदमी, गरीब गुरबा, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, जो छात्र है, सबसे ज़्यादा यहाँ का कैंपेन जो समाज के गरीब गुरबा जो लोग हैं ना, वो अपने दहलान पर अपने खेतों में आवाज़ देना शुरू कर दिया, पप्पू 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 यादव पप्पू यादव, जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी जीता है, जो अभाव में ज़िंदगी जीता है, वो पहली आवाज़ है पप्पू यादव की। दूसरी आवाज़ है पप्पू यादव की जो देश में के निर्माण की बात सोचता है, जो पटना में पढ़ता है, कर्नाटक में पढ़ता है, बाहर पढ़ता है, मधेपुरा सहरसा पढ़ता है, कोसी में पढ़ता है, जिसकी चिंता खुद के भविष्य को लेकर के है। उसकी चिंता हिंदू मुसलमान नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है। उसकी चिंता जात और हमारा आका नीतीश जी नरेंद्र मोदी नहीं, उसकी चिंता है खुद के निर्माण की। वो अपनी आवाज़ देना शुरू कर दी। ये तो कैंपेन लगातार समाज के जो हर तबके के लोग हैं, रोज़मर्रे की रूटीन, व्यवसायी दुकानों पर शुरू कर दिया कि 5 साल सेल टैक्स नहीं आया, इनकम टैक्स नहीं आया, 5 साल किसी ने हमें बोलने की हिम्मत नहीं की, 5 साल हमारे घर के तरह हमसे वो जिए, हमें रिश्ता बनाया, 5 साल कोई सी पार्टी के लोगों ने हमें देखने मना तंग करने की हिम्मत नहीं जता पाई। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जो रिश्ता बना, एक तो 52 साल का रिश्ता पप्पू यादव से इस इलाके का, कोसी का, कोसी के संघर्ष का, बाढ़ का, अन पलायन का, गरीबी का, गुरबा, ये जो एक आवाज़ है, जो एक ताकत है, एक उम्मीद है, एक सपना है, एक विश्वास है, जाति धर्म मजहब से अलग हट करके चारागाह बनाया गया था इस इलाके को, कहीं हिंदू मुसलमान के आधार पर हमेशा किशनगंज का चुनाव, खगड़िया अथी अररिया का चुनाव, पूर्णिया का अथी पूर्णिया का चुनाव, कटिहार का चुनाव हिंदू मुसलमान का आधार बनाया जाता था, सहरसा का चुनाव यादव बैकवर्ड गैर यादव इस तरह का चुनाव का माहौल बनाया जाता था। पहली बार, पहले भी हम 2.75 लाख से चुनाव जीते थे आज़ादी की हिस्ट्री में पहली बार, तब भी सभी जाति धर्म के लोगों ने, तब भी सभी जाति धर्म के, नरेंद्र मोदी जी के हवा में हम वाइफ रंजीत रंजन और पप्पू यादव दोनों, पूरी दुनिया जब हार चुकी थी तब यहाँ के लोगों ने अपने बेटे को, कोसी के बेटे को जिताया, ये हिस्ट्री था। और इवन है नरेंद्र मोदी जी जिस जो अपने को जिस जात के लोग कहते हैं, उस जात के लोगों ने पप्पू यादव, हम बाद में बात करेंगे पप्पू जी, लेकिन अभी सुबह का वक्त है, आप नाश्ता करके निकल रही है, नाश्ता है या खाना है, क्या है ये? नहीं, ये गाँव में हम चले तो आगे हम लोग कहीं भुज्जा, किसी के यहाँ से चावल आ गया, तो हम लोग अपना क्या खा के निकल रहे हैं अभी प्रचार के लिए? अभी जहाँ से जो मिल गया हम खा लिए, कोई हमको तो पता चला नहीं, अब फिर कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, 4 बजे सुबह तक कहना मुश्किल है। अब साथ में 200-400 मोटरसाइकिल हैं, साथ में सारे लोग होते हैं, तो हम लोग कैंपेन गांव-गांव करते हैं, घर घर करते हैं। हम लोगों के पास हेलीकॉप्टर तो है नहीं, या हम लोगों के पास नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी तो हमारा तो भगवान आका जो है सो यही, हमारे पास 5 जात तो है नहीं। और हम कभी कभी सोचते हैं कि इन लोगों के पास 2 आदमी है, इनके पास 5 जात है, तो शेष बका बच्चा जो है वो तो मेरा ही है, तो हम तो सबसे भारी हैं, जाति तो बहुत है ना, हो और शेष जो बचा, अब आका गरीब से बड़ा भगवान और आका तो कोई होता नहीं है। और युवा इसको आप लिख लीजिए, गरीब और आम आदमी को दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और कोसी की इतिहास है सर, वो हमेशा आज़ादी को बदलता है। तो मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि हम लोग टोला टोला गली कुची आप अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हम हर व्यक्ति से 5 साल हम हर व्यक्ति के साथ जीते हैं, 5 साल लगातार हम हर व्यक्ति के साथ चलते हैं, संपर्क बना रहता है आपका, क्षेत्र से नहीं, हर घर से रिश्ता बना रहता है, हर परिवार से रिश्ता बना रहता है, और क्षेत्र के हर ज़रूरत के साथ दिल्ली और पटना के सड़कों पर हम होते हैं। हम बेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, सेकेंड लार्जेस्ट में MP है हम पार्लियामेंटेरियन के रूप में, फर्स्ट क्वेश्चनर के रूप में हम अभी इंडिया में,
तो वो जो सवाल है वो पप्पू यादव का सवाल है। पप्पू यादव सदन में जो बात करता है वो कोसी सीमांचल बिहार का बात होता है। अभी अभी आप क्या खा के निकल रहे जरा बताइए क्या क्या। कटहल है, बैगन का तरुआ है, तोरी है, परवल की भुजिया है, दाल है। खाने में क्या पसंद करते हैं, मतलब जब चुनाव प्रचार में निकलते हैं तो क्या मतलब कुछ अच्छा भरपूर भोजन करके निकलते हैं, हल्का रखते हैं? हल्का रखते हैं। अभी मैंने कहा ना आपको, किसी आंगन से कुछ, किसी आंगन से कुछ, क्योंकि हम लोग का घर का रिश्ता है। हम लोग कहीं अब यहाँ तो ऐसा तो है नहीं, हम लोग अब्दुल्ला शादी में बेगाना दीवानी वाली कहानी तो है नहीं। यहाँ हर घर का बेटा है, सबको लगता है कि मेरा बेटा आ गया। कहीं छाली होता है, कहीं दूध होता है, कहीं व्यवसायी के पास जाइएगा तो वो फल दे देगा। तो अभी तो जो मिला है उसको हल्का फुल्का खाएंगे, कुछ अपने लोग हमारे साथ मिल करके खाएंगे और फिर हम लोग आगे निकलेंगे। चलिए पप्पू जी, हम आपके साथ आज दिन भर रहेंगे और बात करेंगे, कैंपेनिंग आपके साथ कैसे कर रहे हैं ये हम देखेंगे। और हमें पता चला है कि पप्पू यादव जब गांव-गांव में घूमते हैं तो बड़े अनोखे अंदाज में घूमते हैं। ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं, गांव की ओर निकल जाते हैं, खेतों में निकल जाते हैं, मोटरसाइकिल पर भी सवारी करते हैं ताकि जो युवा वर्ग हैं उनसे जो है एक रिश्ता जोड़ा जा सके। तो हम आज दिन भर चलेंगे पप्पू यादव के साथ और आगे भी इनसे बातें करेंगे। सांसद पप्पू यादव इस वक्त निकल चुके हैं मोटरसाइकिल पर प्रचार प्रसार करने के लिए अपने क्षेत्र में, और हम भी पप्पू यादव के साथ ही मोटरसाइकिल पर बैठेंगे और रास्ते भर उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे लेकर वो इस बार फिर चुनाव में उतरे हैं। ठीक है पप्पू जी, रंजीता जी का हम लोग देखते हैं कि मोटरसाइकिल का उनके उन्हें शौक है, आप भी मोटरसाइकिल पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं? नहीं नहीं, रंजीत जी प्लेयर रही हैं, एथलेटिक्स हैं, और वो जीवन उनके जीने का एक अपना लाइफ स्टाइल, हर आदमी के जीने का एक लाइफ स्टाइल होता है, वो उनका अलग है। लेकिन जब हम आम लोगों के बीच जब जाते हैं बिना चुनाव के भी, जब बाढ़ आती है या तूफान होता है तो हम क्षेत्रों में गाड़ी का यूज कम करते हैं, मोटरसाइकिल से ही हम अत्यधिक जाते हैं। मोटरसाइकिल ही मेरे साथ होता है, हमारे साथ हमारे भाई होते हैं, मित्र होते हैं, और सुरक्षा के रूप में गार्ड होता है। हम लोग किसी भी परिस्थिति में, यह नहीं है कि चुनाव कैंपेन ही नहीं, आप देख रहे हैं कि युवा पिछले 4-5 सालों में ज्यादा जुड़ना शुरू हो गए हैं। आप भी कहीं कुछ होता है युवाओं की समस्या लेके आप तुरंत पहुंच जाते हैं? नहीं, एक बात तो मान के चलना होगा कि ये लोकतंत्र जो है इवेंट्स के कारण समाप्त हो जाए, ये इवेंट्स मैनेजमेंट हो गया है। ये डेमोक्रेसी को जिस तरीके से इवेंट्स और मनी को लेकर के परेशानी हो रही है, उसमें जो यूथ है, अब हमारे पास इवेंट्स मैनेजमेंट तो है नहीं, हम इवेंट्स गुरु है नहीं, तो हम लोकतंत्र के बीच कैसे जाते हैं, लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे? हमारे पास कोई जाति नहीं है, हमारे पास नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी नहीं है, हमारे पास 5 जाति या 3 जाति 4 जाति का गठबंधन नहीं है। हम लगातार अकेले लड़ रहे हैं चुनाव। नेचुरल हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, हमारे साथ उन करोड़ों गरीबों का दुआ है, उन करोड़ों युवाओं का दुआ है जो जीना चाहता है, जो गरीबी से आज़ादी चाहता है, जो रोजगार चाहता है, और एक सपना है जीवन का। मैं आपको बहुत बता दूं किसी भी परिस्थिति में कि वो सपना है एक सुरक्षा का भावना है, वो सपना है जो डर का वातावरण लोगों के भीतर होता है, भय का वातावरण पदाधिकारियों से, नेताओं के कारण, नेताओं के वोट और सियासत सत्ता के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उसमें आम लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो हमने एक गारंटी, एक पहली गारंटी है कि जाति धर्म मजहब का जो डर है वो नहीं रहने देंगे किसी भी परिस्थिति। पप्पू जी, युवाओं की बात कर रहे हैं तो बिहार में एक युवा है तेजी से उभर रहे हैं, तेजस्वी यादव। बात हो रही थी कि आप भी महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, आप चाहते भी थे, लेकिन अंत में बात नहीं बनी। तेजस्वी यादव की वजह से आपको लगता है ऐसा हुआ कि आप महागठबंधन में नहीं शामिल हो पाए?
देखिए, मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, इस देश में जनता को तय करने दीजिए कि जनता, भगवान जनता होती है, मालिक होता है, स्वयं भू मियाँ मिठू कौन, इस परंपरा रही है बिना संघर्ष के, कनगोजर के तरह, बिना किसी वैचारिक परिवर्तन के, एक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के नाम पर आए, कहीं से किसी व्यक्ति ने परोस के सब कुछ दे दिया, इस तरीके से देश में देखा गया है। बहुत सारे बड़े कदावर नेता जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहे, उसकी बेटी, उसका बेटा लगातार राजनीति में पहुंच जाता है, उसको बैकडोर से ले आया जाता है, उसको थोप दिया जाता है, राजनीति का इतिहास नहीं होता। इस मामले में मैं अखिलेश को बधाई दूंगा, मुलायम सिंह को, कि उनको संघर्ष सिखाया इस तरीके से। लेकिन हिंदुस्तान में और नेताओं के बारे में यदि मैं देखता हूँ, और नेता के पुत्र या उनके परिवार जो आते हैं, उनको आप देख लीजिए कि उनका कोई रचना नहीं होता, उनका कोई जीवन दर्शन, तेजस्वी ने कोई संघर्ष नहीं किया, सब कुछ बैठे बैठे मिल गया है। सर, मैंने पहले भी कहा कि मैं व्यक्ति विशेष को जानता ही नहीं हूँ, और कोई जो आदमी, जो व्यक्ति राजनीति का कखरा ना जानता हो, जो व्यक्ति सामाजिक जीवन जीने का कखरा ना जानता हो, जिनको 183 एसी का रूम पसंद हो, लेटरिन बाथरूम में 3 एसी पसंद हो, जो 11 बजे उठे, जो विधानसभा जिनका 3 बार भी आज तक अपने विधानसभा में नहीं जाता हो, जो व्यक्ति अहंकारों में जिए, जिसके पास राजनीतिक विचारों का कोई लेना देना नहीं हो, सामाजिक जीवन का कोई दर्शन ना हो, जिनके पास मानवीय मूल ना हो, वह किसी पिता के आधार पर क्या हुआ, चौधरी चरण सिंह के पुत्र का क्या हुआ, मुलायम सिंह क्यों आगे बढ़ गए, क्या हुआ कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र का, रामनाथ ठाकुर जी का, क्योंकि कर्पूरी जी ने तवज्जो नहीं दी, चौधरी साहब ने तवज्जो नहीं दिया। लेकिन जो नेता सिर्फ अपने ही बच्चों के बीच घिर गए, उनकी विरासत अपने बच्चों को देने के पीछे खड़ा हो गया, ऐसे लोग मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि वो लोग कैसे नेता हो सकते हैं। अच्छा, जिनको जिनको पब्लिक से सांसद भी रहे हैं, क्या दोबारा आरजेडी की तरफ रुख करेंगे कभी? नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद जो आरजेडी थी, जिसमें पप्पू यादव को का योगदान था लालू यादव जी के विपक्ष बनाने में, आप रवि बाबू जिंदा हैं पूछ लीजिएगा, एक वोट कहाँ से मैनेज हुआ था, उसके बाद 11 MLA दे करके हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, और हमें 90 में इंडिपेंडेंट चुनाव जीतना पड़ा, लगातार 3 बार हम लोकसभा पूर्णिया से इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, और उसके बाद बाय इलेक्शन हमको लड़ना पड़ा किसी कारणवश मधेपुरा में, मधेपुरा के जनता, कोसी की जनता ने जाति धर्म से ऊपर उठकर, लालू यादव जी एक बार 34,000 से जीते और एक बार 21,000 से जीते, पप्पू यादव को 2.5 लाख लोगों ने जिताने का काम किया, आप क्या समझते हैं इसको? तो दोबारा कभी आरजेडी में जाएंगे? मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचारधारा था, जयप्रकाश का, जो भूपेंद्र बाबू का, राम बहादुर सिंह का, ललित बाबू का, जो मंडन मिश्र जैसे संस्कृति की विचारधारा थी, जब वो विचारधारा ही नहीं रही, और वो 1990 का जो आरजेडी था, जो मूल ताकत थी गरीबों की, सामाजिक न्याय की, अब वो सिमट के रह गया, और वो लल बबुआ, मैं मुझे एक बात ये बताइए, राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं, प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं क्या? देखिए, मैं एक बात बता दूं, लंबे समय से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते तो नरसिम्हा राव के समय में प्रधानमंत्री हो सकते थे, उस वक्त वो जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, और दोबारा में प्राइम मिनिस्टर, उनके मन में ये बातें होती कि मनमोहन सिंह की जगह मैं बन जाऊं तो प्राइम मिनिस्टर हो गए होते। राहुल गांधी ने संघर्ष का रास्ता चुना, राहुल गांधी जी ने एक देश को समझने की कोशिश करना चाहा, किसानों को, गरीबों को, महिलाओं की सुरक्षा पर, देश के युवाओं के हालात को देख को समझने की कोशिश की, और वो लंबे समय तक कभी राजस्थान में संघर्ष करना, कभी किसानों के सवाल पर जेल जाना, तो वो एक इतने बड़े सियासतदार 70 दशक में लगभग 63 साल की सत्ता में रहने के बावजूद जिस तरीके से
राहुल गांधी जी ने संघर्ष का रास्ता चुना, वो रास्ता किसी भी परिस्थिति में बहुत ही तो प्रधानमंत्री बनने के योग्य है राहुल गांधी। देखिए, जब इस देश में गुजरात साहब प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, देवेगौड़ा जी किसान के बेटा प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, इस देश में हर व्यक्ति, नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने ये बात अलग है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस ताकत दी देश के लोगों ने उनको, वो किस कारण से कई सारे सवालों से वो अविश्वसनीयता के बीच में वो फंसते चले गए, क्या हुआ नहीं हुआ, वो नरेंद्र मोदी जी का इवेंट्स क्या कहता है, मैनेजमेंट क्या कहता है, मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि एक बेहतर प्राइम मिनिस्टर होने के का अवसर यदि जनता देगा तो बिना किसी दुष्टता के, धुरतई के, निश्चल मन से, साफ सुथरे मन से, एक सच्चे सच्चाई उसके भीतर दिखती है, दर्द दिखता है, पीड़ा दिखता है, और यदि जनता ने उस पर कभी भरोसा किया तो वो पीड़ा आपको कामों में परिवर्तित होगा। एक लंबे समय से मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने सियासत को देखा है, और आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी नेचुरल है, कई लोग आलोचना करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत, दो ताकत के रूप में इसको भाई बहन नहीं कहा जाए, इतने लंबे समय के बाद जिसने पिता से लेकर के नानी दादी बहुत सारे लोगों की कुर्बानी देखी, भारत के कई तरह के रंगों में रंगते हुए भारत को देखा, उतार चढ़ाव देखे, इकोनॉमिकल क्राइसिस देखा, उसने बड़े संकट देखे, और उसके बाद एक मजे हुए राजनीति के रूप में जिस तरीके से आज उनका पदार्पण हुआ है, मैं समझता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में एक ना एक दिन देश की जनता और खास तौर पर युवा जरूर स्वीकार करेगी। हम आगे भी पप्पू जी से बात करेंगे, क्योंकि पप्पू जी अब गांव की ओर जाएंगे, वहां भी हम लोगों से मिलेंगे, उनसे भी वहां बात करेंगे, और पप्पू जी से भी हम वहां देखेंगे कि किस तरीके से जनता के साथ जो है वो संवाद करते हैं, क्योंकि दोबारा यहां पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार उनके खिलाफ शरद यादव हैं, इस बार आरजेडी के टिकट पर शरद यादव जो है मधेपुरा से पप्पू यादव को चुनौती दे रहे हैं। अब पप्पू यादव इस वक्त ट्रैक्टर चला रहे हैं, गांव में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। पप्पू जी, कैसा लगता है ट्रैक्टर चला के गांव देहात में लोगों तक पहुंचना, क्योंकि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं शरद यादव आरजेडी से, वो तो हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप ट्रैक्टर पर हैं। मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग कोई कहते हैं कि मैं 5 जात का कैंडिडेट हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 2 जात का कैंडिडेट हूँ, कुछ लोग कहते हैं नीतीश जी, नरेंद्र मोदी ने मुझे भेजा है, कुछ लोग किसी को भेजते हैं वोट, वो डेमोक्रेसी नहीं है। इसीलिए तो इस देश की जनता का मूल्य समाप्त हो चुका है, उसकी पहचान समाप्त हो चुकी है। ऊपर से थोपने की आदत, ऊपर ऊपर गठबंधन कर लेने की आदत, जनता का गठबंधन होता नहीं है, दिल का गठबंधन होता नहीं है, जनता उसे स्वीकार, मजबूरी, ये जो जाति है, व्यवस्था है ना, इसको लोकतंत्र को बचाने के लिए समाप्त करना होगा। और हिंदू मुसलमान, ये जो सेंटिमेंट के आधार पर वोट की सियासत होती है, और छोटे छोटे चुनाव के समय इशू आप ले आते हैं, जैसे 10% आरक्षण, तलाक, आपको 370 आरक्षण, ये सोलटर हाउस, ये लिंगायत बोगलिंगायत, ये DNA नीच, ये अखलाक, ये सब इशू आप बहुत मजबूत हैं तो 27 से 22 पर आपने क्यों समझौता किया, और आप गोरखपुर में सपा के सांसद को समझौता क्यों करना पड़ा आपको, एक आपके पास कैंडिडेट नहीं थे। आप अगले बार नीतीश जी अकेले लड़े थे, 2 सीट पर थे, लालू जी अकेले लड़े थे, 3 से 4 सीट पर थे। जब आपका गठबंधन नहीं होता है तब आप समाप्त हो जाते हैं। तो जनता मालिक होती है ना, जनता भगवान होता है, जनता तय करेगी किसी क्या करना है। अब जनता को आप कंप्लीट समाप्त कर चुके हैं, उसकी वैल्यू समाप्त कर चुके हैं, उसकी आवश्यकताओं को आप नज़रअंदाज कर दिए हैं, आप उसके जीने के तरीके को नज़रअंदाज कर दिए हैं, गरीबी आपके बीच से ख़त्म हो चुकी है, आपको रोज़गार आपके बीच से ख़त्म हो चुकी है। ज़्यादा कोई चुनौती है आपके लिए?
सर मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के हवा में पहले शरद यादव जी के लिए नीतीश कुमार जी 15 दिन कैंप करते थे, आज 15 दिन वो हराने के लिए कैंप कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी किसी न किसी को हराने जिताने के लिए कैंप करते ही हैं, सब लोग करते हैं। जनता तय करती है कि बात सही है कि आज जाति जिस तरीके से और धार्मिक मजहबी उन्माद जिस तरीके से आज इशू बन गया है, लेकिन आप देखिए ना अभी पुलवामा की घटना कहाँ गायब हो गई। पाकिस्तान हिंदुस्तान के सेंटीमेंट पर ये चुनाव लड़ना चाहते थे, कई सारे पिक्चर को लाके, लेकिन आप निजी वार शुरू हो गया, आप वो चीज़ें इशू गौन हो गई। अब आप निजी चीज़ों को आप वार कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो आपके पास इशू तो है नहीं। तो बगैर इशू के आप सेंटीमेंट, आज़ादी के बाद आज तक सेंटीमेंट के आधार पर ही मंडल का मंडल, मंदिर मस्जिद, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये लिंगायत बोक लिंगायत गोरा, ये मराठी बिहारी मणिपुरी बिहारी, ये क्षेत्रीय भाषा, ये कम्मा अम्मा, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों को आप विकास के आधार पर तो वोट किए नहीं। और यहाँ जो है वो एक सेवक के रूप में वोट पड़ेगा, एक मददगार के रूप, एक संघर्ष, एक आम आदमी की आवाज़। लालू जी के साथ अभी करीबी है या रिश्ते बहुत तल्ख हो चुके हैं? नहीं, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते कभी भी किसी से कम, मैं आज भी नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक सुचित्रता है, उनका जो कमिटमेंट है कुछ चीज़ों को लेकर, या सही है कि अब वो पहले वाले नीतीश कुमार जी नहीं है। एक वोटरों में और आम आदमी में अविश्वसनीयता का एक दौर चला गया, मुझे उन लोगों को लगता है कि सत्ता से बाहर नहीं रह सकते, ये मुझे नहीं लगता, लोगों को लगता है, ये लोगों को लगता है कि सत्ता से वो बाहर नहीं रह सकते। तो ये सत्ता के, लालू जी के साथ कैसे रिश्ते अभी भी? नेचुरल है, लालू यादव जी से कभी भी मेरे, जब भी उन्हें किसी भी 11 MP की कभी भी उन्हें आवश्यकता महसूस हुई, और मुझे लगा कि लालू यादव के साथ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि एक लंबे दौर में एक गाँव से निकलने वाला एक व्यक्ति जिस तरीके से सामाजिक परिस्थितियों को समझा और उसको सड़कों पर ला करके राजनीति को एक स्वरूप देने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि नेचुरल है कि एक उम्र हो गई और कई तरह के संकट में घिर गए, और वो संकट उनके परिवार के लोगों ने, बच्चों ने, ज़्यादा उनको बचपन में जो बड़े पैसे का जो शौक हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि एक ऐसे पिता को मारने में इन लोगों की गहरी साजिश, समाप्त राजनीतिक रूप से समाप्त करने में, विरासत की इतनी उतावलापन, और एक गठबंधन को जिस तरीके से अहंकारों में समाप्त किया गया। तो एज ए व्यक्ति, एज ए लीडर के रूप में नेचुरल है मेरा रिश्ता, विचारों के रूप में हम अलग अलग हो सकते हैं कई समय परिस्थितियों के नाम, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक यदि मैं देखूंगा तो मेरे रिश्ते कभी तल्ख नहीं रहे हैं। आज भी रिश्ते अच्छे हैं लालू? आज भी मेरा रेस्पेक्ट जो उनके प्रति है बहुत ऊँचा है, मैं सम्मान करता हूँ, और ये उन्हीं को नहीं, मैं रामविलास जी का भी बहुत ऊँचा सम्मान करता हूँ। मैं राजनीति में, मैं किसी की ज़िंदगी में ताक झांक नहीं करता हूँ, मेरा वन वे है और वो है सेवा, मेरा वन वे है वो है। लालू जी के दोनों बेटे में जो पूरा झगड़ा चल रहा है, क्या लगता है सत्ता संघर्ष? मुझे समझ में नहीं, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, उसके एक बेटे ने, कि हमको पप्पू यादव विद्रोह करा रहे थे, हमारे बाप से संघर्ष करा, हमको लड़ाना चाहते थे। अब वो कब लड़ाना, हमने कभी मुलाकात नहीं हुई। 91 में वो पैदा हुआ, 90 में हमारा राजनीतिक इतिहास उससे 10 साल पहले का है, कभी क्या बातचीत हुई, वो कब क्या बोलेंगे, मैं मुझे नहीं पता। मैं इतना कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में जो बड़े पिता के पुत्र लोग राजनीति में एंट्री लिए हैं, वो कंप्लीट रूप से पैराशूट, वो कंप्लीट रूप से बिगर संघर्ष, कंप्लीट रूप से ऐसो की जिंदगी। सर जनता को फेल्यूर कहना है, मैं स्वयंभू नेता नहीं बनता हूँ, अपने मियाँ मिठू नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 1990 की राजनीति और 2019 में आसमान पताल का फर्क है। दुनिया देख रही है, सोशल साइट देख रहा है, और दुनिया मिनट टू मिनट जीना चाहता है। अब आप ऐसो आराम की ज़िंदगी फेंक देना, वर्कर के साथ और आम आदमी के साथ रिश्ता नहीं निभाना, उसके रेस्पेक्ट को नहीं करना, किसी नेताओं का रेस्पेक्ट नहीं करना, बुज़ुर्गों का रेस्पेक्ट नहीं करना, और सिर्फ भौतिक सुख और व्यक्तिगत सुख और सत्ता हमारी बपोती है, ये गया। चलिए एक आखिरी सवाल, पप्पू जी आपके साथ हम दिन भर थे, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं इस बार? नहीं, ये तय जनता करती है, मैं प्रयास उम्मीद है। देखिए मैं 3 बार पूर्णिया से इंडिपेंडेंट MP, 2 बार यहाँ से जीता हूँ, 4,96,000 से भी, 3.5 लाख से भी, 2.5 लाख से भी, 1.5 लाख से भी, 2.75 लाख से भी, और मुझे उम्मीद है कि कोसी
का बेटा, सीमांचल का बेटा, मिथिला का बेटा, आज हर आदमी की जुबान पर है मेरा बेटा, बिना जाति धर्म के मजहब के एक होकर के जो आज आवाज़ है मधेपुरा सहरसा की, अब कोई चुनौती नहीं दिखती, क्योंकि एक तरफा आवाज़ है। यहाँ नरेंद्र मोदी भी पप्पू यादव से बड़ी जीत होगी, यहाँ नरेंद्र मोदी भी पप्पू यादव है, लालू यादव भी पप्पू यादव है, बड़ी जीत होगी उससे कम मार्जिन। सर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो जीता सो सिकंदर, जीत तो जीत होती है। मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं जीत गए जे जीत गए, ये नहीं है। जिताने हराने की जिम्मेदारी जनता को है। मैंने सेवा किया है 5 साल, यदि मैं मुझे उन्हें लगेगा कि मैं सेवा किया हूँ, मदद किया हूँ, मैं बेस्ट पार्लियामेंट्रियन रहा हूँ, मैं इस आवाज़ को उठाया हूँ, मैंने सेवा आश्रम से पूरे दुनिया के गरीबों की इलाज की है, मैं हर दुख दर्द में साथ रहा हूँ, 48 घंटे के अंदर हम जनता के बीच पहुँचे हैं, हमारी विजिबिलिटी रही है जनता के लिए, हम कभी उनसे अलग नहीं रहे हैं, मैंने उनको मालिक और भगवान माना है, स्वयंभू भगवान हम नहीं बने हैं, ऊपर से जो भगवान है, मुझे लगता है आज पैर छू के छूने की ज़रूरत है। यदि कहीं से भी जनता को लगे कि मैंने सेवा में कमी रह गई तो मैं ये वो वोट ना दें, यदि लगे कि मैं उसके बेटे के रूप में काम किया हूँ, और कोसी एक आवाज़ है बिहार की राजनीति की मानचित्र पर, आज ये चुनौती है कोसी की आज़ादी, गरीबी की आज़ादी, तो नेचुरल है कि जात धर्म से ऊपर उठ के पूरा कोसी पप्पू यादव को वोट देगा, और फिर कितना मतों से कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है, इसका मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता। चलिए तो शुक्रिया पप्पू जी। तो ये थे कोसी का बेटा खुद को कहने वाले पप्पू यादव, कई निराले निराले तरीके से मधेपुरा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और कहते हैं कि जनता के बीच वो जाते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं और जनता की सेवा करते हैं, और आज उसी का मुआवजा मांगने के लिए वो एक बार फिर से जनता के बीच है।